खबर शिवपुरी पुलिस अधीक्षक कार्यालय से है, जहां आज एक पीड़िता ने शिकायत करते हुए बताया कि मैं अपने गांव की ही मनिक चंद्र शर्मा पुत्र पन्नालाल शर्मा निवासी सुनारी थाना करेरा के यहां बटाई से खेती करती थी। पीड़िता और उसके पति द्वारा की गई खेती के ना तो उसने पैसे दिए और ना ही अनाज। पैसे मांगने पर मनिक चंद्र शर्मा कहता था कि मैं तुम्हारे ट्रैक्टर दिला दूंगा। इसके बाद उसने ट्रैक्टर फाइनेंस के नाम पर बैंक में खाता खुलवा कर 10 खाली चेक पर साइन करा लिया और महिला की जरूरी डॉक्यूमेंट्स उसने अपने पास रखी और महिला के बैंक से पैसे पर उसे ब्लैकमेल करने लगा। इसके साथ लगातार 6 साल तक बलात्कार किया और महिला ने ये सारी घटना अपने पति को बताने को कही तो उसने 3,10,000 का चेक बाउंस करके कोर्ट में लगा दिया और शादी का दबाव बढ़ाने लगा। महिला ने इसकी शिकायत करेरा थाने में की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। प्रीतन आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँच कर पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई है। कहाँ के हो रहने वाले? सुनारी की। क्या हुआ आपके साथ? सर, मालिक चंद शर्मा की बटाई से जमीन खरीदी थी। उसने 2 साल की मैं जमीन रखे हैं, उससे हमने कहा कि हमारे ना तो उसने पैसा दिया और ना तो हमारी अनाज दिया। हमने उससे कहा कि हमारे पैसे दो या अनाज दो, उसने कुछ भी नहीं दिया। बोल रहा कि बस का टेटर लगा देंगे, तो मैं हमने कि हम नहीं ले रहे कत नहीं कर जी, तुम्हें जमीन को जो भी उपचार को पैसा है जो भी तुम्हारा बनता है मैं उसी में लगा दूंगा और 2,00,000 रुपए तुम दे देना करके कहीं से भी। मेरी देवर ने और मेरे भैया ने 2,00,000 रुपए दिए थे जोड़ के, मैंने इसी दिए मानिक चंद शर्मा को। उसने 1,50,000 जमा दिए, 50,000 बुखाया दलाल है वो। मुद्दा टाटा उठाने के लिए इसने मुझसे बोलो का खाते खुलवाने पर वो जाने में खाता खुलवा इलाहाबाद बैंक में और खाता खुलवा के जाने 10 चेक पे साइन करवाए मेरे। 4 चेक दे मैनेजर है और 6 इसने अपने पास रख लिया, मैनेजर ने इसी को वापस किए थे। फिर इसने फिर जी बोला कि अब CB चलो तुम, ये CB ले मैंने कि अपने पति के साथ जाऊंगी मैं। तो बोला कर पति का क्या काम है, वैसे भी कर तो घर पर ही कुछ काम कर लेगा, कर पैसा वैसा है नहीं है, जैसे गरीबी हमारे साथ बहुत सब। फिर मैं ही ली गई, बोली तुम रोई काम है तुम्हें चलो सुनो लेके आओ। अब जाने जी बैंक में कौन सी बैंक थी पता नहीं, मैं पढ़ी लिखी है नहीं है सब, मेरे से धोखे से साल करवा लिया उसने। फिर इसकी सूचना अपने थाने में दी थी? सब मेरे को धमकी दी, मेरे साथ बहुत गलत काम किया। धमकी दी यहाँ से मुझे लेट लेके गया, यहाँ से रात हो गई, अपने घर पे रुकाया, मेरे साथ गलत काम किया। मैंने कहा मैं अपने पति से कहूंगी, तेरे बच्चे और तेरे आदमी को दोनों को मरवा दूंगा। ऐसा बोला? हाँ, मेरे साथ बहुत जबरदस्ती की सारी रात में। एसपी साहब से मिले आप? नहीं, दो तीन बार आए एसपी साहब ने मिला। नहीं है सर, 2-3 बार हो चुकी, करेरा भी हुआ है, थाने में कोई सुनवाई नहीं, चौकी में भी कोई सुनवाई नहीं। सब तो बहुत पैसे वाला आदमी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है।